हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ष किसान। किसान भाइयों, देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं आसानी भाषा में ज़मीन को कैसे नापें। और ज़मीन नापने का बिल्कुल आसान तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हमारे किसान भाइयों के खेत टेढ़े मेढ़े रहते हैं और प्लॉट कुछ उल्टे सीधे क्या नाम टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो उसको जैसे हम नापते हैं तो नापने में बहुत दिक्कत पड़ती है। तो आज आपको हम बहुत सरल तरीका बताने वाले हैं। जैसा कि ये आपको हम दिखा रहे हैं, सामने हमने बना दिया है इसका, यानी कि प्लॉट समझो या खेत समझो। और इसकी हमने लंबाई दे दी है 100 फीट, और इधर दे दी 50 फीट, उधर दे दी 40 फीट और 50 फीट, और इधर हमने लिख दिया है लेंथ, लंबाई और ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हमको इसकी लंबाई निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई। लंबाई लंबाई क्या होती है, जैसे ये कि 100, और इसके हम सामने वाले ले लेते हैं बिल्कुल 50 फीट, 100 फीट और 50 फीट, और हम इसको लिखते हैं 100 फीट प्लस 50 फीट बराबर 150 फीट। 150 फीट ये आ गया है, और इसका औसत निकालते हैं। औसत लंबाई यानी कि 150, और इसे 2 से भाग देते हैं तो औसत आ जाएगा 75 फिट। और जैसे इसकी अब जब हमको निकालनी है चौड़ाई, और चौड़ाई निकालनी है तो अब जब हमको लेनी होगी 50 फिट और 40 फिट, ये वाली हमने पहले ले ली है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चौड़ाई 50 फिट प्लस 40 फिट बराबर 90 फिट, और इसका औसत निकालना है। औसत चौड़ाई का औसत 90 फिट, और 2 से भाग दे देंगे, यह आ जाएगा 45 फिट। और हमें अब जो निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेस्ट। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर लिख देता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास क्या आई, स्क्वायर फिट 45 फिट, ओके नाम 75 फिट और 45 फीट। तो इसके हम आपस में गुणा कर देंगे, 75 गुणा 45 बराबर 3375, ये स्क्वायर फीट में आ जाएगी, स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल जमीन का स्क्वायर फीट में एरिया आ गया है 3375। ठीक है, और इसको हमें अगर गज में चेंज करना है, जैसे गज में निकालना है तो गज में दिखाता हूँ, जैसे गज में निकालना है तो हमको लिखना होगा 3375। गज में निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 9 से भाग दे देनी होती है, तो इसका आएगा फिर 9 से भाग देने पर आएगा 375। तो ये गज में टोटल आ गया है, और टोटल ज़मीन का एरिया आ गया है 3375। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।